नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट टाइम में। मैं हूं आपके साथ नेहा। जुड़े हैं उन लोगों के साथ, दिखा रहे हैं डेरा सच्चा सौदा से सीधी कवरेज, जानते हैं कि सच्चाई क्या है। नमस्कार मैम। कहां से हो मैम आप? हम श्री गंगानगर से। क्या नाम है मैम? पूजा। श्री गंगानगर से चल के आप सिरसा में आए हो, आज जब डेरा में आए हो, तो मैम किस वजह से आए हो, क्या रीज़न है उसका? हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी खुशियाँ मिलती हैं, हमारे सतगुरु से, हमारे मालिक से बहुत सारा प्यार मिलता है, इसलिए हम आते हैं। मैम जो सत्संग है, तो मैम कैसे चल रहे हैं आप? बहुत अच्छे। मैम कैसे चल रहे हैं, कैसे चला रहे हैं? गुरु जी आज डेरे में नहीं है, पिछले 4 सालों से डेरे में नहीं है, तो कैसे सत्संग चल रहे हैं, कैसे लोग उनको सुन रहे हैं? वो तो अपनी अपनी श्रद्धा होती है हर किसी की, कि वो किस टाइप से यहाँ पे आते हैं, मतलब अपने तरीके से बताते हैं। तो मैम लोगों, गुरु जी ने लोगों के लिए क्या किया? बहुत कुछ किया है, जिसका मतलब क्या भी शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते कि क्या किया है। मैम जो बताया जा रहा था यहाँ पे, जो गुरु जी ने है वो मानवता भलाई के कार्य, तो हम किस तरीके के वो मानवता भलाई के कार्य किए हैं और क्यों किए हैं? वो तो जैसे लोगों के लिए नशा छुड़वाना, हर एक चीज़ को मतलब कि अच्छा करना, इसलिए उन्होंने मतलब कि कोई गलत चीज़ ना हो, जो भी हो अच्छा हो, इसलिए उन्होंने मानवता भलाई के कार्य किए। परमात्मा जैसे रोड पे जो मन बुद्धि इंसान घूमते थे, आवारा पशु घूमते थे, तो उनके लिए गुरु जी ने क्या किया? उन्होंने मतलब सारा कुछ सभी के लिए किया।